है वो पूरी तरह गैर राजनीतिक है, क्योंकि रोशन जी भी हैं, दोनों रोशन जी, और यहाँ पे अवधेश जी ने बहुत पहले से प्लान बनाया था कि मैं यहाँ दौरे पे आऊं, लेकिन मैंने कहा था कि नित्यानंद जी भी रहने चाहिए, तो नित्यानंद जी का समय मिला, इसलिए जल्दी से हम लोग दौरा बनाए। और हाजीपुर का जो बियाडा का ये क्षेत्र है, इसका बहुत महत्व है बिहार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ये शोकेस है पूरा, उद्योग की अपार संभावनाएं बिहार में बढ़ रही है। एक बैठक हमने जिला अधिकारी के साथ, प्रशासन के साथ किया, दूसरा हमने उद्योगपतियों से संवाद किया, जिसमें नित्यानंद जी उपस्थित थे, और हाजीपुर में हम लोगों ने बहुत पुरानी मांग थी कि सीटीपीसी जो प्लांट है वो लगे यहाँ, 6 MLD का प्लांट लग रहा है, इसमें 105.95 करोड़ की लागत से ये लगेगा, 100 करोड़ रुपया से ज्यादा, यानी 105 करोड़। वहां का जो रोड है उसमें 65.08 करोड़ लागत से औद्योगिक क्षेत्र में RCC नाला और प्रवाह परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाए, इसका भी टेंडर हो गया, आदेश दे दिया। 1.86 करोड़ की लागत से सड़क मरम्मत भी हम लोग कर रहे हैं, जहां जहां पानी की वजह से टूट फूट हुई है, और 19 लाख की लागत से सोप एंड ग्लिसरीन फैक्ट्री हाजीपुर की 4 दीवारी और गेट का निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों ने जब से मेरे जिम्मे ये विभाग आया है, तब से SIPB में हम लोग 1400 फर्स्ट स्टेज जो क्लियरेंस है 1480 करोड़ का, करीब 1500 करोड़ का प्रस्ताव वैशाली जिले के लिए है, इसमें इथेनॉल का 607 करोड़ है और अन्य प्रस्ताव भी है। हम लोगों ने बिहार में उद्योग कैसे बढ़े इसके लिए काम कर ही रहे हैं, उसमें भी पटना से नजदीक जिला रहने की वजह से उद्योगपतियों की पहली पसंद वैशाली जिला होता, हाजीपुर और पूरा वैशाली जिला है। पुल बन जाने से जब 4 लेन और हो जाएगा तो जैसे दिल्ली में जमुना पार जाते आते हैं, वैसे यहाँ गंगा पार आना जाना बहुत इजी रहेगा। जितने माननीय विधायक भी हैं वो घर से अभी भी जाते आते हैं, वैशाली जिले के लिए तो पटना से दूरी एकदम कम हो जाएगी, अभी जाम का खतरा रहता है। जो नए अलाइनमेंट पे रोड निकल रहा है उस पे नया इंडस्ट्रियल इलाका डेवलप करने की योजना है। हमारा इरादा है कि हर जिला में, हर विधानसभा में एक औद्योगिक इलाका डेवलप हो, खासकर जो पटना से नजदीक का जिला है वहां हम काम कर रहे हैं। नई टेक्सटाइल पॉलिसी और लेदर पॉलिसी लाने जा रहे हैं, जिसमें कैपिटल सब्सिडी होगी, इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, जिसके अंदर अगर कोई 100 करोड़ लेगा तो उसका जो ब्याज है वो हम लोग देंगे, कैपिटल सब्सिडी भी देंगे। उसी तरह अगर कोई एक्सपोर्ट यूनिट होगा और अपना सामान हल्दिया पोर्ट समुंदर ले जाएगा, तो समुंदर से हमारी दूरी सही
लेकिन हमारा इरादा हिमालय से ऊंचा है, बिहारियों हिमालय नजदीक है। तो हम लोगों ने कहा है कि आपको हम फ्रेट सब्सिडी भी देंगे, यानी जो सामान ले जाएगा भाड़ा में भी हम ध्यान रखें। तो बहुत सी यूनिट आने को तैयार हो गई, जल्द ही टेक्सटाइल और लेदर में बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी इथेनॉल के 17 प्लांट मिले हैं, 6 पहले मिले, 11 दिवाली के एक रात पहले मिले, 17 जगह बड़े बड़े उद्योग लगने जा रहे हैं। हम लोग उद्योग का काम कर रहे हैं, उद्योग को बढ़ा रहे हैं। युवा उद्यमी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, इसमें जो नए एप्लीकेशन आए हैं वो इस साल में 8,000 को देना है। 62,000 एप्लीकेशन आ गए, इसमें किसी की दलाली नहीं चलेगी, किसी की पैरवी नहीं चलेगी। जो एप्लीकेशन आएगा लॉटरी निकाल के 8,000 देंगे, बाकी को वेटिंग करेंगे, अगर पैसा उपलब्ध होगा तो उनको भी देंगे। इसलिए आपके माध्यम से अगर कोई ठग रहा हो कि तुम्हारा करवा देंगे तो उसकी चलने वाली नहीं है। एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से युवा उद्यमी योजना में चयन होगा। खादी और हैंडलूम में, हैंडीक्राफ्ट में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी महामहिम राष्ट्रपति जी खादी मॉल आए थे, खादी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कुर्ता पजामा का कपड़ा खरीदा मधुबनी खादी। पत्रकार भाइयों से भी कहना, आप भी खादी पहनी, नेता तो पहनते ही, ताकि बुनकर का फायदा। ये बातें मैंने कह दी, कुछ पूछना हो, यहाँ पे सब विधायक जी हैं, जदयू के नेता हैं, राजद के भी नेता हैं, इसलिए सारे सवाल उद्योग से पूछिए। शराबबंदी पे पूरी तरह सरकार अड़ी है और इसकी बैठक होगी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। आइंदा मौतें ना हो, सख्ती हो, इसका काम लग रहा है सर, छूट हो रही है जिसकी वजह से सब पर विचार करेंगे, जो कमी है उसको। सर, ये पप्पू यादव ने मांग की है कि जो विदेशी शराब है उनका टैक्स बढ़ा करके फिर से चालू किया जाए, ऐसे है क्या कुछ संभावना या कुछ? मैंने उनका बयान नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है, हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार चल रहा है। गया में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है, पुलिस का मुख्य बताया कि मतलब कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहा है। कानून का राज है, सुशासन है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सुशासन को पूरी सख्ती से अमल कर रही है। दो जगह जो राजद हार गया है उसके बाद थोड़ा बहुत तो बयानबाजी उनका बनता है। सलमान खुर्शीद की जो किताब आई है हिंदुत्व को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, आपका क्या विचार है कि जो उन्होंने सवाल उठाया क्या उठाना चाहिए था इस वक्त उनको अपनी किताब? राहुल गांधी को और सलमान खुर्शीद को हिंदुत्व को बोको हराम से जोड़ना, आतंकवादी संगठन से जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको तो हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज वे ऑफ लाइफ, जीवन पद्धति बताया। हिंदू और आतंक ये दोनों शब्द आपस में जुड़ नहीं सकते। जो हिंदुत्व है उसके लिए वही सबको एक नज़र से देखने का नाम ही हिंदुत्व है। इसको धर्म से, आतंकी संगठन से जोड़कर उन्होंने भारत का अपमान किया। यूपी का चुनाव और ठीक पहले उनका ये बयान, क्या असर डालेगा ये उनका ये? उन्हीं पर असर डालेगा और जीरो पे आउट हो जाएंगे बंगाल की तरह वो।